नमस्कार दोस्तों, बिज स्पीच आज डॉक्टर पंकज भारती के क्लिनिक में है और हम चर्चा करने जा रहे हैं होलिस्टिक वेलनेस की। व्हेन वी टॉक अबाउट होलिस्टिक वेलनेस, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो हमारे को घर कर लेती हैं हमारी लाइफस्टाइल की वजह से, जैसे कि डायबिटीज़ है, जोड़ों के दर्द है, और हमें ये पता नहीं चलता कि हम इसके लिए राइट ट्रीटमेंट, राइट पाथ क्या है। और उसी पाथ को लेकर, एक मिशन को लेकर चले हैं डॉक्टर पंकज भारती। बिज स्ट्रीट में हम हेल्थ केयर वर्टिकल पे पंकज भारती जैसे एक्सपर्ट्स को पाकर बहुत ही खुश महसूस कर रहे हैं, और आज हम उनसे ही जानेंगे कि किस तरह से उन्होंने 100,000 लोगों को ट्रीट किया, किस तरह से देश के प्रेसिडेंट के भी वो डॉक्टर रह चुके हैं। तो डॉक्टर पंकज भारती आज हमारे साथ हैं डॉक्टर भारती क्लिनिक पंजाबी बाग में। डॉक्टर पंकज भारती, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हेल्थ और वेलनेस को लेकर जो लोगों में तरफ तमाम प्रकार की भ्रांतियाँ हैं, आप जब पेशेंट को ट्रीट करते हैं और इतने पेशेंट को आपने ट्रीट किया, हाउ यू डील विद दोस काइंड ऑफ मिथ्स? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे देश में या पूरी दुनिया में होलिस्टिक नाम से बहुत सारे ट्रीटमेंट दिए जाते हैं, जैसे एक्यूपंक्चर है, नेचुरोपैथी है, आयुर्वेदिक है। तो इसमें अलग सभी लोग, जैसे होम्योपैथी ट्रीटमेंट है, सभी लोग अपने आप को होलिस्टिक कहते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि होलिस्टिक का मतलब बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। होलिस्टिक का मतलब होता है कि जब किसी भी पेशेंट को हम एक टोटेलिटी में ट्रीट करते हैं, मतलब उसका फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल सारे आस्पेक्ट्स को हम देखते हैं, तब हम उसको ट्रीटमेंट देते हैं, यही हमारा होलिस्टिक है। लोगों को पता नहीं होता है कि हमारी बीमारियों के पीछे मुख्य कारण क्या होते हैं। तो जैसा हमारे साइंस ने खोजा है कि जितने भी हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, इनके पीछे मुख्य रूप से 6 रीजंस होते हैं। पहला सबसे मुख्य कारण होता है, जो लोगों को नहीं पता होता है, कुछ ऐसे हमारे फूड होते हैं जो एलर्जन की तरह काम करते हैं और हम उनको खाते हैं और बीमार पड़ जाते हैं। दूसरा कारण होता है कि हमारी फॉल्टी डाइट। तीसरा कारण हमारा होता है कि हमारा लाइफस्टाइल खराब होता है, हम सोना, जागना, उठना, बैठना, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करना, एक्सरसाइज ना करना, ये सारी चीज़ें हमारी लाइफस्टाइल के अंतर्गत आती हैं। तीसरा कारण होता है परसिस्टेंट स्ट्रेस। हमने विशेष रूप से यहाँ पे परसिस्टेंट शब्द का यूज़ किया है, क्योंकि जनरली लोग ओवर स्ट्रेस का इस्तेमाल करते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि ओवर स्ट्रेस से कभी बीमारी नहीं होती है, बल्कि ओवर स्ट्रेस हमारी चीज़ों को काम करने में मदद करता है। लेकिन कोई ऐसा स्ट्रेस जो लगातार हमारा सालों साल या बहुत लंबे समय से लगातार हमारे साथ रहता है, तो वो बीमारी पैदा करने में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। अगला कारण है कि हमारी इन्वायरमेंटल कंडीशन ऐसी होती हैं, और एक आज की डेट में एक बहुत बड़ा चैलेंज है और उसको हम एक बहुत बड़ा कारण कहेंगे, वो है हमारा पॉल्यूशन। पॉल्यूशन को हटाया तो नहीं जा सकता है, लेकिन हम अच्छे लाइफस्टाइल और बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जिससे हम अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम को रीचैनलाइज करके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पॉल्यूटेंट्स को बाहर निकाल सकते हैं। अब ये तो मुख्य चीज़ें हो गई जिससे हमारी बीमारियां पैदा होती हैं। अब दूसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा समझने वाली है कि आखिर इन 5 या 6 कारण जो मैंने बताए हैं, इससे हमारे शरीर में परिवर्तन क्या होते हैं। तो सबसे जो पहला परिवर्तन होता है कि जो हमारे एलर्जेंस होते हैं, ये हमारे शरीर में अनडाइजेस्टेड रह जाते हैं और ये हमारे ब्लड में चले जाते हैं। दूसरा जो मेजर परिवर्तन होता है, हमारे सेलुलर लेवल पे होता है, हमारे सेल्स में टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होते हैं। तीसरा जो परिवर्तन होता है, हमारे वाइटल ऑर्गन लेवल पे होता है, हमारे जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं उनमें कंजेशन हो जाता है। और एक परिवर्तन हमारे पीएच लेवल पे, एसिड और अल्कलाइन लेवल पे होता है, हमारे शरीर में एसिड और अल्कलाइन इम्बैलेंस हो जाता है। जो ये मैंने 6 कारण बताए, इनके कारण से हमारा जो पीएच शिफ्ट है वो एसिड की तरफ हो जाता है। और एक सबसे बड़ा कारण है जो लोग समझते नहीं हैं, ऐसे भी लोग मैंने पाए हैं जो कहते हैं कि मैं न्यूट्रिशनली, हमारा जो फूड है बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो मैंने अपने इतने लंबे कार्यकाल में ये पाया है कि 100% पेशेंट्स किसी न किसी रूप के न्यूट्रिएंट्स से की डेफिशिएंसी होती है, 100%, चाहे वो कितना अच्छा भोजन क्यों ना करते हों, लेकिन उनमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज बड़ी कॉमन है। और ये जो मैंने कारण बताए, ये सारे इंडिविजुअल जो चेंजेस हमारे शरीर में आते हैं, सेलुलर लेवल पे, वाइटल ऑर्गन लेवल पे, पीएच लेवल पे या न्यूट्रिशनल लेवल पे, ये हमारे शरीर में सेलुलर इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं। जब ये सेलुलर इन्फ्लेमेशन एक थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर जाता है, तो वो मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस को जन्म देता है। आम भाषा में अगर हम मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस को समझना है, तो हम फिल्म से भी समझ सकते हैं कि मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस किसे कहते हैं।
सीधे सीधे अगर मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस समझना है तो वो है केमिकल लोचा। तो हमारे शरीर में जितनी भी लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारी हैं, चाहे वो ओबेसिटी है, चाहे डायबिटीज है, चाहे हाइपरटेंशन है, या इम्यून सिस्टम की बीमारियां, या कैंसर जैसी बीमारियां हैं, या अस्थमा जैसी बीमारियां हैं, या हमारी पाचन संबंधी बीमारियां हैं, इनके पीछे हमारा ये मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस ही मुख्य कारण होता है। अगर हम इस मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस को किसी तरीके से ठीक कर लें तो हम शरीर से सारी बीमारियों को नष्ट कर सकते हैं। तो हमारी जो होलिस्टिक अप्रोच है वो इसी को ठीक करने में मददगार साबित हुई है। कैसे ठीक करते हैं ये भी महत्वपूर्ण है कि अगर हमारी पेशेंट्स में नॉन हिस्ट्री है एलर्जेंस की, तो सबसे पहले हमें करना होगा कि हमें उन एलर्जेंस को आइडेंटिफाई करना होगा और पेशेंट को एडवाइस करना होगा कि इन पर्टिकुलर एलर्जेंस या एलर्जिक फूड्स को लेना बंद कर दें। दूसरा, जो हमारा चेंज हुआ था सेलुलर लेवल पे टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हुए, उसके लिए हम डिटॉक्सिफिकेशन प्रोग्राम लें। वाइटल ऑर्गन कंजेशन लेवल पे जो चेंज हुआ उसके लिए हम डिकंजेशन प्रोग्राम लें। और हम अपने पीएच को करेक्ट करें, जो हमारा पीएच का एसिडिक नेचर हो गया उसको हम अल्कलाइज करें और पेशेंट को न्यूट्रिशनल कवर पे रखें। अगेन मैं यहाँ एक शब्द का इस्तेमाल करना चाहता हूँ, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन। ऑप्टिमम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम न्यूट्रिशनल कवर पर रखते हैं तो सिंपल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन जब हम पेशेंट को ऑप्टिमम न्यूट्रिशन पर रखते हैं तो वही न्यूट्रिशन पेशेंट को मेडिसिन की तरह काम करने लगता है। ये सारी अप्रोचेस से, इंडिविजुअल अप्रोचेस से, हमारे शरीर का सेलुलर इन्फ्लेमेशन धीरे 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 कम होता है, थ्रेशोल्ड से नीचे आता है। और एक जो ईश्वर ने हमें एक ऐसा बनाया है कि हमारे शरीर में खुद ब खुद अपने आप को हील करने की प्रॉपर्टी होती है, बस हमें फेवरेबल कंडीशंस देने की ज़रूरत है। जैसे ही हमारे शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन, डिकंजेशन, एल्कलाइजेशन और न्यूट्रिशनल कवर के रूप में फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, खुद ब खुद हमारी जितनी भी लाइफस्टाइल बीमारियां हैं हमारे शरीर से ठीक होने लगती हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम बीमारी ही नहीं ठीक होती है, हम रिजुविनेट हो जाते हैं, हमारा एनर्जी लेवल बहुत बढ़ जाता है, हमारा डाइजेशन बहुत इम्प्रूव हो जाता है, हमारा स्लीप बहुत अच्छी हो जाती है और एंटी एजिंग होती है। एंटी एजिंग का मतलब ये नहीं है कि 62 साल का आदमी है तो उसको हम 40 साल का कर देंगे, लेकिन हाँ ये अवश्य है कि 62 साल के आदमी में अगर 72 साल के व्यक्ति जैसी एनर्जी है, तो अगर हम होलिस्टिक प्रोग्राम फॉलो करते हैं, इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, तो निश्चित रूप से 62 साल के व्यक्ति में 62 साल जैसी एनर्जी वापस लाई जा सकती है और वो अपने आप को युवा फील कर सकता है। तो होलिस्टिक प्रोग्राम के थ्रू ना हम सिर्फ गंभीर बीमारियों का इलाज करते हैं, बट ऐसे लोगों को मदद करते हैं जिनको लंबा जीवन जीने की लालसा है, जिनको अंतिम सांस तक स्वस्थ रहने की लालसा है। बस इसी बात के साथ में अपनी बात। डॉक्टर भारती, आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि केमिकल लोचा। आज हमें पता है कि जो डेफिशिएंसी की वजह से हमारे कोई कैंसर जैसी बीमारियां, लीवर जैसी बीमारियां और अनेक प्रकार की बीमारियां, न्यूरोटिक बीमारियां हो रही हैं, तो जो हम खा रहे हैं हमें दिख तो अच्छा रहा है लेकिन कहीं ना कहीं उस खाने में ऑप्टिमम पोषण नहीं है जी। तो ऑप्टिमम पोषण के लिए आप अपने पेशेंट को जब रिकमेंड करते हैं, आजकल बाजार में बहुत सारी ऑर्गेनिक चीज़ें भी आ रही हैं, लेकिन लोग उन ऑर्गेनिक चीज़ों को खरीदते समय ये नहीं जान पाते कि उन्हें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हर कोई ऑर्गेनिक चीज़ें बेच रहा है। तो आप जब रिकमेंड करते हैं तो क्या आप डाइट वगैरह भी रिकमेंड करते हैं कि भाई ये खाने से आपको ये मिलेगा, क्योंकि लोगों को खाद्य और अखाद्य जो आयुर्वेद में जो लिखा है शायद वो लोग भूल गए हैं या उनको पता होते हुए भी वो फॉलो नहीं कर पाते हैं, अनलेस अंटिल की कोई उनको ये कहे समझाए कि भाई क्या आपको खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। आजकल सारे समय सब चीज़ें आती हैं बाजार में, हमें ये नहीं पता होता सीजनल वेजिटेबल कौन सी है और नॉन सीजनल कौन सी है, तो वो क्या वो भी इम्पोर्टेंट है इलाज के दौरान या इलाज के बाद भी? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम आज के जो परिवेश में है हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। अगर हम आज की डेट में आयुर्वेद काल जैसी फूड या आयुर्वेद काल जैसी दिनचर्या या जीवन शैली को रिकमेंड करने लगेंगे तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती है। तो हमें देखना है कि जो संसाधन, जो फूड, जो चीज़ें आज हमारे मार्केट में उपलब्ध हैं उसी में से बेस्ट रिकमेंड किया जाए। जो आज हमारे, जैसे हमारी सब्जियां हैं, हमारे जो पल्सेस हैं या अनाज हैं, तो हमारी धरती में न्यूट्रिशन की कमी हुई है। तो हम चाहे कितनी अच्छी सब्जियां, दालें ये खाएं, तो जब उनको पोषण धरती से ही नहीं मिला तो उनमें उन चीज़ों की डेफिशिएंसी होती है। तो उन डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए
हम ऐसा कर सकते हैं कि हम सप्लीमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो फूड हम खाते हैं उसमें पूरा का पूरा न्यूट्रिशन मिल जाए। उसमें आजकल पेस्टिसाइड, वीडिसाइड या बहुत सारे केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं। वो जो केमिकल्स यूज़ होते हैं वो भी हमारे उन सब्जियों में, दालों में और जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उन पोषक तत्वों को नष्ट करते हैं। तो अगर हम बहुत अच्छी क्वालिटी के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के थ्रू इस न्यूट्रिएंट्स को सप्लीमेंट के रूप में ले लें, सप्लीमेंटेशन कर लें, तो मैं समझता हूँ कि बहुत हद तक, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 100% हमारा पोषक हमको पोषण मिल जाएगा, लेकिन एक अच्छा परसेंटेज हमें पोषण का मिल सकता है और वो बीमारियों को ठीक करने में मददगार हो सकता है। धन्यवाद डॉक्टर साहब बिजी स्ट्रीट के साथ जुड़ने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि इसी तरह से आप लोगों को प्रेरणा देते रहें और भारती डॉक्टर भारती क्लिनिक जो है वो जगह जगह पे खुले और जाकर लोगों को समझाए ताकि लोग स्वस्थ जीवन जी सकें। जीवन जीना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना स्वस्थ जीवन जीना महत्वपूर्ण। धन्यवाद। थैंक यू।